नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में। शिफ्टिंग ऑपरेटर का क्या रिलेशन होता है आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले शिफ्टिंग ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को किसी भी फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरह से होता है। मतलब अगर मैं एफ ऑफ एक्स को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट कर रहा हूं तो एक्स की नेक्स्ट एंट्री से, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स का नेक्स्ट एंट्री है उससे मैं बैक एंट्री को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह से बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है आपका कि जब भी आप किसी फंक्शन को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हो, दैट मीन्स कि आप यहां पे सेम एंट्री से इसके पीछे वाली एंट्री को, ठीक है, माइनस कर देते हो। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात थी। अब हम अगर बात करें शिफ्टिंग ऑपरेटर की, शिफ्टिंग ऑपरेटर को आप रिप्रेजेंट करते हो ई से, है ना। और जब भी किसी फंक्शन को शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में आप ऑपरेट करते हो तो ये क्या करता है कि उसको दो साइड में शिफ्ट कर सकता है। शिफ्टिंग दो तरह की होती है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इसके आधार पे अगर हम पहले ये समझे कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है, तो अगर फंक्शन के साथ में फॉरवर्ड शिफ्टिंग लगाई जाए तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड शिफ्टिंग, मतलब नेक्स्ट डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें बैकवर्ड शिफ्टिंग की तो ये होता है आपका बैकवर्ड शिफ्टिंग सिंबल, एंड इसका मीनिंग होता है, ठीक है, अभी और कुछ समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, रिलेशन समझने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। देखिए, अगर आप किसी फंक्शन को टू टाइम्स शिफ्टिंग ऑपरेटर यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एक सिंपल मीनिंग होगा x प्लस, ठीक है, यानी सेम वैल्यू को आपने टू टाइम्स ऐड करते चले गए। इसको समझना है कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं प्रूफ करना चाहूं कि इतना कैसे मिला मुझे रिजल्ट, तो मैं इसे लिख सकता हूं ई स्क्वायर को ई डॉट ई, ठीक है। अब पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको ऑपरेट कर लेता हूं, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके आर्गुमेंट में एक सर्टेन वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो रिजल्ट हमें मिला है इसको फिर से ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, वापस से फिर सर्टेन वैल्यू ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स ई हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, ठीक है। मतलब जनरलाइज फॉर्म आपको मिल जा रही है। जनरलाइज फॉर्म क्या होगी आपकी, वो जनरलाइज फॉर्म होगी आपकी कि अगर आप किसी फंक्शन को एन टाइम्स फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट कर रहे हो तो आपके पास रिजल्ट होगा वो होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं किसी फंक्शन के साथ एन टाइम्स, तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए एक्स माइनस एन एच। सिमिलर है, इसका भी प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम लोग को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। चलिए फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने लिखा है फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर से जब भी हम किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट के अंदर मुझे ये चीज देखनी है, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये वास्तव में क्या है, यह ध्यान से देखेंगे। जब किसी फंक्शन एफ एक्स को हमने ऑपरेट किया शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में, तो मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में हमने इसको ऑपरेट किया फंक्शन को, तो हमें मिला ई ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। दोनों से हम एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन ले लिया तो ये क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ही है कि दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स के जो कॉफिशियंट हैं ये इनको कंपेयर करना है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ आपका फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच। अब अगर हम बात करें बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सॉरी, एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, करेक्ट है। अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो हमें हिस्सा दिख रहा है
अगर मैं किसी फंक्शन को बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट करता हूं तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, ये रिजल्ट मिलता है। दैट मींस इस रिजल्ट एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, दैट मींस मुझे क्या मिल जाएगा, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वापस से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जब आप एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देन बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि एफ ऑफ एक्स दोनों तरफ कंसीडर करेंगे हम, इनके कॉफिशियंट्स को कंपेयर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस हमें मिल जा रहा है वन माइनस ई इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ में। अब यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर? अगर हाँ तो प्लीज अपना रिजल्ट आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर। साथ ही हम लोग बात करेंगे एवरेज ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशन हो सकते हैं उनको हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर कहीं आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।